वाला जो रूम है ना, वहाँ फिफ्थ फ्लोर पे चार जगह गए गैस, चारों हॉस्टल में रूम खाली नहीं था। दीदी कहाँ चली गई यार? नेक्स्ट गली में आ चुके और कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है रूम वगैरह। तीन बेड आप लोगों को फाइनली खाली मिल गया, तो आंटी भी काफी ज्यादा, सिंगल में बिल्कुल भी खाली नहीं है, बट हाँ डबल में है। तो इतना इजी नहीं है गाइस हॉस्टल ढूंढना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं चपाटखा जी। गाइस बहुत दिनों से मेरी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप लॉज और हॉस्टल का वीडियो डाल नहीं रही हो, डाल नहीं रही हो। तो आज मैंने फाइनली आप लोगों की सुन ली और बहुत दिनों बाद आज हम चले हैं कवर करने के लिए हॉस्टल और लॉज का वीडियो। ठीक है, क्या था ना रीज़न यार, बहुत सारी चीज़ें इस वजह से मैं नहीं बना रही। देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, कहीं भी बोलते नहीं थे ऐसे, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं होता है बहुत सारी जगह। और जब मेरे थ्रू स्टूडेंट जाने लगते हैं ना, तब वो लोग पता लगाते हैं कौन लड़की है जो मेरे हॉस्टल का प्रमोशन एकदम चुप मुंह बंद किए हुए चली गई और इतनी लड़की भेज रही है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे प्रमोशन, अब क्या है ना कि अब मेरे थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ऐसे हम किसी का प्रमोशन क्यों करें। जैसे कि कोई ये हॉस्टल है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम, वीडियो बनाएंगे और आप लोग आओगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली जो मेरे सब्सक्राइबर, वो कितना ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं। तो उनसे तो मतलब उनसे तो मैं एक रुपया भी नहीं ली। आप लोग जाओगे, रेंट दोगे, रहोगे, तो मेरा इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। फिर भी हम नहीं बनाना चाहते। अब रीज़न वही है, क्योंकि जो भी प्रमोशन वाले वीडियो आते हैं ना हॉस्टल वाले, उसका मैं सिर्फ बनाती हूँ, अब नहीं बनाते हम पहले की तरह। और इस सबको साइड रख के, अपना प्रॉफिट बंद करके, मैंने सोचा चलो सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर जो कि इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं हॉस्टल की वीडियो करना, ये करना, वो करना, कि दीदी क्यों नहीं बना रही है, तो आज सब कुछ आप लोग को बता दिया है ना, अब ठीक है ना। तो हमने सोचा है कि चलो चलते हैं कहीं पे, ऐसे रैंडम जाएंगे, कुछ कुछ शूट करके आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है ऐसे कहीं पे जाने में, लॉज वगैरह ढूंढने में। तब हम कभी कभार इसकी वीडियो डाला करेंगे। तो आज चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मुसल्लमपुर हाट की तरफ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खान सर के पास ना कोई लॉज या फिर हॉस्टल दिखाओ, तो हम जाएंगे और आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले खान सर के कोचिंग के पास जाएंगे और वहाँ पे जो भी हॉस्टल एंड लॉज जो भी हमको मिलेगा ना, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट उस एरिया में ना ज़्यादातर आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, कवर करने की कोशिश करेंगे। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे ना, अगर आपको खान सर के पास चाहिए ना हॉस्टल चाहिए, लॉज चाहिए, तो आप उस साइड मत लो, आप ना नया टोला भिकना पहाड़ी साइड ले लो। उस एरिया में भाई साहब इतनी ज़्यादा गंदगी है ना, नाक नहीं दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इतना ज़्यादा मुर्गा मुर्गी होता है ना, मेरा पूरा दिमाग वो हो जाता है, इस वजह से हम जाना ही नहीं चाहते उस एरिया में। खैर कोई बात नहीं, हम जाएंगे आज और आज कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो सब मुझे मिलेगा थोड़ा सा सही लगेगा, हॉस्टल लॉज जो भी लगेगा सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और आज हम भाई साहब ऐसे ही कहीं कहीं पर बौखने वाले हैं, लाइक बोल सकते हो, आप लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकल चुके थे मुसल्लमपुर हाट के तरफ रूम और हॉस्टल ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे हर एक गली में जाने के बाद एक दो घंटा वेस्ट करने के बाद पता चलता है एक भी रूम अच्छा नहीं मिल रहा है। एक मिला मुश्किल से, वो कुछ इस तरीके का था, आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आसपास ढूंढते हैं। तो हम लोग आ चुके थे कुनकुन सिंह लेन में, एंड यहाँ पे एक रूम खाली था, वो भी सिंगल वाला, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। ये मुझे ठीक लगा, थोड़ा ठीक था। तो अगर आपको खान सर के पास कोचिंग वगैरह पढ़ना था, आप कुनकुन सिंह लेन में नया टोला भिकना पहाड़ी में रह सकते हो। वाला जो रूम है ना, वो ना फिफ्थ फ्लोर पे, और ये इस तरीके का है, देख सकते हो, काफी ज्यादा लाइटेड रूम है ये वाला। इस साइड से विंडोज मिल जाती है, सब कुछ है, सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा। और रेंट की बात करें तो 2700 लग रहे हैं रेंट, बट हाँ ये है कि फिफ्थ फ्लोर पे सबसे ऊपर है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, लेकिन हाँ रेंट काफी ज्यादा सही लगा मुझे, सही है, रूम सही है। वह अंधेरा बिल्कुल भी नहीं, नेचुरल लाइट यहाँ से आप देख सकते हो, काफी अच्छी खासी आ रही है, और एक भी लाइट वाइट नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, मीटर भी लगी हुई है इस तरीके से। तो अगर आप लोग को कुनकुन सिंह लेन में सिंगल रूम चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करना इंस्टा पे, मैं वहाँ पे आपको ऑनर का नंबर दे दूंगी। गली में आ चुके और कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है रूम वगैरह का, कि कहाँ पे जाएं क्या करें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक लाइक कर देना यार। कहाँ पे जा रहे हैं कुछ भी दे दे, रुक गई उधर ही, दीदी कहाँ चली गई यार? मिला लड़का, हल्ला कर, मतलब लड़का का लॉज है, आधा से ज्यादा लॉज लड़का का ही मिल रहा है, लड़की का मिल ही नहीं रहा है, ढंग का एक भी नहीं मिल रहा है। चार जगह गए गैस, चारों हॉस्टल में रूम खाली नहीं था, हॉस्टल भी खोज रहे, लॉज भी खोज रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो खाली नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो एक दो ऐसा मिल रहा है जो दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही होगी अगर रूम चाहिए तो, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
हाँ हॉस्टल है पटना में, बहुत सारे हॉस्टल हैं, लेकिन खोजना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हमको तो रूम भी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो रूम खोजना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। हर एक गली में जाओ आप, ऐसा करो ठीक है, हर एक गली में जाओ, दो चार मिल ही जाएंगे। और फिर हम लोग आ चुके थे नया टोला में, ठीक है, एड्रेस मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे एक हॉस्टल मिल चुका था महादेव गर्ल्स, यहाँ पे दो ही रूम खाली था, डबल और एक सिंगल। प्राइस की बात करूँ डबल वाले का 6,000 और सिंगल वाले का 7,000, थोड़ा बहुत कम कर देती आंटी। बाकी हॉस्टल मुझे ओवरऑल काफी ज्यादा सही लगा, काफी छोटा अच्छा हॉस्टल था, सही है। अभी हम लोग आ चुके हैं महादेव गर्ल्स हॉस्टल में, एंड यहाँ पे 3 बेड आप लोगों को फाइनली खाली मिल गया है। तो आंटी भी काफी ज्यादा नेचर वाइज अच्छी है, सो आप लोग आ सकते हो, ले सकते हो। लोकेशन वगैरह जो भी होगा ना, आप मुझे DM करना कि ये वाला हॉस्टल चाहिए मुझे, हम आपको नंबर सेंड कर देंगे, क्योंकि सारी लेडीज रहती है तो ऐसे हम पब्लिक में नंबर नहीं दे सकते हैं। इस वजह से आ चुके हैं द स्कॉलर्स गर्ल्स हॉस्टल में, एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बिल्डिंग है, तो अंदर में चलते हैं और रूम आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा है। सिंगल में बिल्कुल भी खाली नहीं है, बट हाँ डबल में है, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। इस हॉस्टल में 4-5 रूम खाली थे, तो मुझे सही लगा बेड यहाँ पे। प्राइस की बात करूँ तो 7,000 आपको लगने वाले हैं डबल सीटेड वाले रूम के। वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, एंड यहाँ पे ये कुछ नोट है जो कि आपको पढ़ने जरूरी है, बाकी मैं यहाँ पे मेन्यू वगैरह चिपका दूंगी, ठीक है। और नंबर एंड लोकेशन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ। इतना ईजी नहीं है गाइस हॉस्टल ढूंढना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। चलिए गाइस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।